सर आप अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं? मैडम नहीं आई अभी तक? नहीं, कुछ देर उसके साथ रहेगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। बहुत छोटे दिल की है मेरी बेटी, बड़ी जल्दी हौसला हार बैठती है। हौसला तो आप भी आ रहे हैं सर, वो तो चलें छोटी है, आप तो हौसला जमा रखें। ठीक कह रहे हो तुम। अंदर से मैं भी बहुत उदास हूं। बेटियों को रुखसत करने के बाद हमारे भरे के भरे घर उदास क्यों हो जाते? ऐसा लगता है किसी की बद्दुआ लग गई हो। अब इस घर को ही देख लो, थोड़ी देर पहले वो यहां हंस रही थी, खेल रही थी, अपनी जिदें और फरमाइशें पूरी करवा रही थी हमसे, और अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली गई। आप खाम खाम फिक्र कर रहे हैं सर, फारिस बहुत अच्छा लड़का है, रिदा खुश रहेगी उसके साथ, ख्याल रखेगा उसका इंशाल्लाह। तुम ऐसा करना कि आज रात ही सबकी पेमेंट क्लियर कर देना, हमारी तरफ किसी का हिसाब बाकी ना रहे, इसका तुमने खास ख्याल रखना। सर आधे से ज़्यादा लोगों की पेमेंट यहीं पर हो गई है, बस कुछ हैं जो 4-5 कॉन्ट्रैक्टर्स आज हाजिर नहीं थे, वो कल आते साथ ही उनको फारिग कर दूंगा, आप फिक्र ना करें। और सुबह आकर तुमने भी अपने सारा हिसाब मुझसे क्लियर करना। मैं तुम्हारी मेहनत, जज्बे और लगन की कोई अदायगी तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बिला तकल्लुफ जो कुछ तुम्हें चाहिए वो मुझे बता देना। सर मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? बोलो। सर मुझे इस जॉब के और पैसे नहीं चाहिए, आप पहले ही एडवांस में मुझे इतने पैसे दे चुके हैं, वो मैंने अब्बू के हाथ में रख दिए थे, मेरे पास होते मैं वो भी वापस कर देता, और रिदा वैसे ही मुझे भाई बोल चुकी है, अब भाई के अपनी बहनों की रुखसती कराने के पैसे लिखते हैं। मैं जानता हूं, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी नजर इंसान को परख जाती है, तुम हरगिज खोटे सिक्के नहीं, हीरा हो, हीरा, और हीरे की पहचान सिर्फ एक जौहरी को हो सकती है। अगर रिदा ने तुम्हें भाई कहा है तो उस रिश्ते में तुम मेरे भी तो कुछ लगते हो। मैं जो भी कुछ तुम्हें दे रहा हूँ अपने दिल की खुशी से दे रहा हूँ, तुम्हारा बड़ा बन के, और इसको तुम अपनी पेमेंट या अदायगी मत समझना, और इस मामले में तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझ गए हो ना? जी सर समझ गया। तुम मेरी गाड़ी ले जाना और सुबह बैंक से पेमेंट लेकर आना, और ये बिल्कुल मत समझना कि काम खत्म होने के बाद तुम्हारा रिश्ता नाता इस घर से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, मुझे दिली खुशी हुई। थैंक यू सर। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद, मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मेरे रास्ते से हटो